हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.36। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एफ माइनस नियॉन एंड सोडियम प्लस इज अफेक्टेड बाय। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस ऑप्शन द्वारा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उनका साइज इफेक्ट होता है। देखिए, हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम इन चारों को चेक करेंगे कि किसके द्वारा इनके साइज जो होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक, पहला हमें दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं, ए वाले को। बी हमें दिया है एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें कौन कौन दिया हुआ था, फ्लोरीन एफ माइनस, और दिया हुआ है नियॉन, साथ में दिया हुआ है एन ए प्लस। तो फ्लोरीन एफ माइनस लिखा हुआ है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है, 9 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9। जब इसके ऊपर एक माइनस लग गया तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 9 रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 10। अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 10, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। एन ए प्लस की अगर हम बात करें, एन ए की बात करें, तो एन ए का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो प्रोटॉन कितने रहते हैं 11, लेकिन जब एक प्लस आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 10। यानी इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो अगर हम लोग देखें इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी नंबर ऑफ शेल, तो फ्लोरीन अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5, दो शेल है। नियॉन में अगर हम लोग देखें 1s2, 2s2, 2p6, दो शेल है। एनए प्लस में अगर हम देखें, एनए का 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होना चाहिए, लेकिन एक प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी इसमें भी यहाँ पर दो शेल, यानी सब में नंबर ऑफ शेल तो सेम है, तो यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वैल्यू है वो भी डिफर नहीं करेगी, तो ये भी इस साइज पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है, थर्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन आउटर शेल। आउटर शेल में चूंकि ये सभी क्या हैं, अगर हम इसमें एक पर एक माइनस लगा देते हैं, एफ माइनस करते अगर हम लोग, तो 1s2, 2s2, 2p6 रहता। ठीक, अगर हम देखें इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटर शेल में, तो सब में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, 8 है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइज पर, डी नन है। ये अब चेक करते हैं जेड, जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। एटम का अगर हम लोग साइज देखें, तो एटम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तो एटम के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई देगा, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, यानी जिसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जितने ज़्यादा नज़दीक होगा, या कह लें प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने तेजी से खींचेंगे, जब तेजी से खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ जाएगा और ये दूरी कम हो जाएगी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइज, रेडियाई। और अगर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा है वो कम हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर से इधर जाने पर इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तेजी से खींचेंगे और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए, या ये जो अट्रैक्शन लगता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। सिंस न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी एफ माइनस नियॉन एंड सोडियम प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या होता जाएगा, इनका साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड की जो वैल्यू होगी वो साइज को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंस ऑन गोइंग एफ माइनस कॉमा नियॉन टू
प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस दस देयर साइज डिक्रीजेस हेंस न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट देयर साइज। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। द साइज ऑफ सोलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस इज अफेक्टेड बाई न्यूक्लियर चार्ज। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।